मोहित भाई, चाय बन गई? चाय बन गई, चाय फट गई। चाय बन गई, फट गई। तो आप शूज देख सकते होगे, नाइकी के एक से एक बेहतरीन लुक में शूज हैं, हल्के हैं, बढ़िया हैं, बेहतरीन। 2200 रुपए, ये 65,000 रुपए का शूज है, जो कि क्या रेंज है इसकी? 2000 रुपए का ये पड़ेगा, 65,000 का, बहुत शानदार। ये आपका शुभ नेम क्या है? बंटी। तो भैया बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमारी बैग में काफी सारा काम कर दिया, चैन मतलब एकदम ग्रीसिंग वगैरह कर दी है, और रुपए नहीं लिए हैं क्योंकि कह रहे थे कि कोई मतलब कोई काम नहीं किया इन्होंने इनकी नजर से, और इनके नाम का प्रसाद इन्होंने भैया ने रुपए दे दिए, तो 51 रुपए का प्रसाद इनके नाम का भी चढ़ा देंगे। तो चलते हैं भैया, बाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने खुद के ब्लॉग में। भाइयों देखो, ये ट्रिप बहुत ही शानदार होने वाली है। ये ट्रिप पर जा रहे हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा मतलब स्टार्टिंग की क्लिप से समझ गए होंगे कहाँ जा रहे हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल एक बाइक है, ये पल्सर जा रही है भाई, एक बाइक, और एक ये भाई मेरे भैया की है, मतलब भैया से लेके आया हूँ उधार, क्योंकि पल्सर जो थी वो खराब हो गई थी, एंड टाइम पे मतलब धोखा दे दिया, तो इस वजह से ये लेके आए। सामान दिखा देता हूँ, दो बैग ये हैं, और एक बैग ये है, एक बैग ये है, और एक बैग भूपेश के हाथ में बैग मतलब लगा हुआ है, तो इसको बांधते हैं, कैसे बांधते हैं, और फिर उसका पेट्रोल डलवाते हैं, टंकी फुल कराते हैं, फिर सीधे फुर हो जाते हैं। भाई बाइक का आप आउटफिट देख सकते होगे, पूरी गाड़ी बना दी है, फोर व्हीलर, और इस बाइक पर तो भी सही है। ये एक बैग और एक साइड से बैग, बट हमारी बाइक का बैलेंस बढ़िया है क्योंकि दोनों तरफ सामान है, इस बाइक में एक तरफ है तो इसको दिक्कत हो सकती है, तो देखते हैं। और टंकी फुल कराते हैं सीधे, अब टंकी फुल कर दो। पहली बार फुल हो रही है इसकी टंकी। पल्सर में आ गई है 1100 की, और देखते हैं हीरो की एक्सट्रीम में कितने की आती है। तुम्हें तो बहुत डली थी पहले से यार, ज्यादा फुल नहीं होनी चाहिए भैया। जिसका वेट कर रहे थे दिलीप भाई मिल चुके हैं और गौरव मिल चुका है, तो यहाँ पे हम सैमसंग के शोरूम पे आए हैं भाई। ईयर मतलब जो सैमसंग का फोन है उसका भाई सॉकेट लेना है हमें, ईयरफोन का, जिससे वीडियो अच्छे से बन सके। तो चलते हैं भाई शोरूम को, सैमसंग के शोरूम पे आए। यहाँ पर भी ईयरफोन एडेप्टर नहीं मिल रहा है, केवल ईयरफोन मिल रही है, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है। ईयरफोन चाहिए नहीं भाई, 2000 की ईयरफोन है, क्या करेंगे लेके। तो भाई बोल रहे हैं कि कंपनी ने बनाना ही बंद कर दिया, तो भाई ये नहीं चाहिए। देखते हैं भाई आगे के लिए, देखते हैं क्या करना होगा। तो भाई शोरूम से तो निकल चुके हैं, और स्लीपिंग बैग अगर यहाँ से मिल जाते तो स्लीपिंग बैग ले लेंगे। क्या चाहिए भाई हमें? अरे भूपेश क्या चाहिए? जूते, स्लीपिंग बैग और फर्स्ट कॉपी शूज लेने भाई, तो बोलो क्या। अब अगर तुमने ये वाली क्लिप नहीं डाली ना, पूरा ब्लॉग देखूंगा, मेरी क्लिप का है। देखो गौरव मुझे लेके आ चुका है मिनसा मार्केट में, और हम शूज खरीदने आए हुए हैं, दानिश भाई की दुकान है, बहुत मशहूर दुकान है, तो देखते हैं भाई यहाँ पे फर्स्ट कॉपी अमीनसा मार्केट में हर जगह मिल जाएगी, और शूज लेने आए हैं, और रेट अभी आप लोगों को बताते हैं सीधे। तो आप शूज देख सकते होगे, नाइकी के एक से एक बेहतरीन लुक में शूज है, हल्के हैं, बढ़िया है, बेहतरीन। क्या रेंज होगी इन सबकी? मतलब नॉर्मली ऑन एन एवरेज 1800 के समथिंग सभी की रेंज है, और अगर ओरिजिनल लेते हैं तो क्या रेंज होगी इनकी? अगर ओरिजिनल लेते हैं इन शूजों के प्राइस 12-15 लगभग है, तो उसी के हिसाब से 1800-2200 रुपए। ये 65,000 रुपए का शूज है, जो कि क्या रेंज है इसकी? 2000 रुपए का ये पड़ेगा, 65,000 का, बहुत शानदार। तो देखते हैं अब, और भूपेश को शूज चाहिए, तो देखते हैं भाई शूज लेते हैं यहाँ से। शूज कलेक्शन काफी अच्छा है यहाँ पे, मुझे ये बहुत प्यारा शूज लग रहा है ये। जब भाई ट्रिप पे जा रहे हैं तो यार शॉपिंग तो करना बनता है ना, पैसा खर्च नहीं हो तब तक मजा नहीं है। लेकिन तो भूपेश ने शूज ले लिए हैं एडिडास के, फर्स्ट कॉपी 1800 रुपए। अब हम लोअर टी शर्ट लेने आए हैं, कौन से कपड़े में लेगा, किस में लेगा? अब मोंटी लेगा। लोअर तो काफी अच्छे लग रहे हैं, मैं भी ले ले रहा हूँ यार, लोअर तो लेना मेरा भी बनता है। तो लोअर देखते हैं, मैं भी ट्राई करूंगा लोअर, तो नैरो टाइप में और कंफर्ट भी रहे भाई, मुझे उस टाइप में लोअर चाहिए, मैं क्रिकेट खेलता हूँ उसी हिसाब से। ये अच्छा लग रहा है ये, पर थोड़ा कपड़ा वैसा लग रहा है ये, थोड़ा महंगा नहीं लग रहा?
ये कितने का है? ये वाला बताओ, ये वाला प्राइस 20% लेस करके हैं। ये 11.50 20% लेस होगा इस पर। लोअर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन यार लोअर अच्छा लग रहा नहीं सही में। तो ये भाई ये लोअर मैंने ले लिया है, लोअर सही लग रहा है मेरे को, 1150 का, कोई ज़्यादा भी नहीं है बट सही लगा मेरे को तो मैंने ले लिया। वैसे मूड में नहीं था लेने का, अच्छा लगा है। क्या कहना चाहोगे गौरव, लोअर सही लग रहा है? बेहतरीन, बढ़िया है, बढ़िया सबसे सस्ती और सबसे अच्छी। ठीक है, तो दोस्तों अलीगढ़ को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है, गौरव को भी और दिलीप भाई को भी अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। यहाँ से निकलते हैं और मेरठ वाला रूट हमने अपनाया है। हमें दिलीप भाई ने बताया था कि मेरठ वाला रूट ज़्यादा बढ़िया है, मतलब नजीबाबाद होते हुए उन्होंने सामना कर दिया, क्योंकि जो रोड है ना वो हाईवे मिलेगा हमें और मेरठ से होते हुए और काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो सीधे यहाँ से चलते हैं और इन्जॉय करते हैं और दिलीप भाई बढ़िया चलते हैं। ठीक है बाय, इन्जॉय करते हैं हम और तुम भी इन्जॉय करना, पढ़ाई पर ध्यान दिया करना। भाई एक प्रॉब्लम हो गई, मतलब हाईवे पे चल रहे थे नॉर्मली और क्या बोलते हैं इसकी पेट्रोल की क्या लॉक होता है भैया, लॉक होता है ना ये, तो पेट्रोल का लॉक निकल गया यहाँ से और पेट्रोल बहुत ज़्यादा लीक हो गई। वो तो सही है, आग वाग नहीं लगी और सही करा रहे हैं, अभी तार से कसवा रहे हैं भाई, लॉक देखेंगे इसका एजेंसी पे फिर चलते हैं भाई। ये आपका शुभ नेम क्या है? बंटी। तो भैया बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमारी बाइक में काफ़ी सारा काम कर दिया, चैन मतलब एकदम ग्रीसिंग वगैरह कर दी है और रुपए नहीं लिए हैं, क्योंकि कह रहे थे कि कोई मतलब कोई काम नहीं किया इन्होंने इनकी नज़र से, और इनके नाम का प्रसाद इन्होंने भैया ने रुपये दे दिए हैं, तो 51 रुपये का प्रसाद इनके नाम का भी चढ़ा देंगे। तो चलते हैं भैया बाय। भाई बाइक का प्रदूषण नहीं था, दोनों ही बाइकों का नहीं है, उसका तो बीमा ही नहीं है खैर, तो प्रदूषण कराने के लिए रुके हुए हैं हापुड़ से। ये जो पुल पड़ता है हापुड़ पे, वहीं पे पेट्रोल पंप है डेढ़ हाथ पे, उसी पे करा रहे हैं प्रदूषण, तो प्रदूषण कराते हैं और चलते हैं फिर यहाँ से, रफू चक्कर हो जाते हैं। अरे अब बेटे, अरे सुनो दवाई ले आया हूँ, खांसी सर दर्द की और बुखार की ले आया हूँ, ये रख लो कहीं पे साइड में रख लो कहीं पे है। दस्त ज्यादा दिक्कत करते हो जाए तो, दस्त दस्त की और ले आऊंगा, ठीक है तो दस्त की हाँ ले आऊंगा, बाकी सुमो वगैरह तो रख लिए। और यहाँ से चलते हैं भाई, मेरठ से निकल चुके हैं और मेरठ से काफी बाहर आ चुके हैं और अब भाई सीधा स्टे हमारा हरिद्वार का होगा, हरिद्वार मिलेंगे आप लोगों से, तो भाई आप बने रहें ब्लॉग में और इन्जॉय करें। फाइनली भाई हर की पौड़ी पर हम आ चुके हैं, गंगा जी के घाट के किनारे पर, और यहाँ पे भाई टेंट की लोकेशन सोची है, यहाँ पे टेंट लगाएंगे अपना और यहीं पर भाई सो जाएंगे, खाना पीना खा लिया ढाबे पे, भाई बहुत भूख लग रही थी तो दिखाया नहीं कुछ भी, और सोने की भाई व्यवस्था करते हैं और सीधे सोने की प्रक्रिया चालू करते हैं और टाइम लैप्स दिखाते हैं आपको सीधे टेंट की। टेंट का सेटअप हो चुका है और इसके अंदर हमने सामान रख दिया भाई, ऐसे करके सामान रख दिया भाई, तो स्लीपिंग बैग खोलते हैं और भाई प्लान बनाया थोड़ा, प्लान भाई ये बनाया कि चाय बनाने का प्लान बनाया, हाँ ठीक है चाय बनाने का प्लान बनाया और चाय बनाने की कोशिश करते हैं भाई, पहली बार है हमारा, तो आप लोग सपोर्ट करें और देखते हैं भाई चाय कैसी बनती है और टेस्टी बनती है तो आपको हम बताएंगे कैसे की चाय, तो भाई वो ब्लॉग पे बने रहे। चाय बनाने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और विद म्यूजिक भाई भोले बाबा के दर्शन के साथ। मोहित भाई चाय बन गई, चाय बन गई, चाय फट गई, चाय बन गई, फट गई, चाय फट गई, इतना फट गया, बाकी चाय एकदम के लिए सही है, चाय तो सही है तो हमारे लिए सही है, हमें क्या कोई बात नहीं, जीत रहो जीत रहो, ले रे ले कम करते हैं और, अरे ले कम पकड़ 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 ने
रखता नीचे लेटने की व्यवस्था, लेटने की व्यवस्था बनाओ और मैं तो लेटा स्लीपिंग बैग ओढ़ गया अपना। बहुत बेहतरीन चाय बनाई मोहित भाई ने। अरे यार ये तो रखो यार, फोटो खींचे चाय के। हो गई उसमें खत्म हो गई। हाँ मैं ज्यादा पीऊंगा।